जय माँ नैना देवी। तो आ चुका है एक और न्यू ब्लॉग के साथ वापिस। तो देखो आज बड़ी नानी का खर्चा है जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ, तैयारियाँ चल रही हैं बढ़िया मजे से। अभी आयुष हो चुका है पूरा तैयार और ये भी टेंट लग रहा है इधर देख सकते हो रहा है। इधर देखिए मिठाइयाँ और सब्जियाँ बन रही हैं देख सकते हो। मेरा बच्चा भी रेडी होके आ चुका है। आए कर दो एक बार कर दो आए। ये गुस्सा मान जाएंगे, ये कहेंगे कि बच्चा गुस्सा है। गुस्सा तो नहीं है ना देख जी अनु रे तो आए कर दो एक बार। गंदे बच्चे थोड़ी ना हो। ये गाइस मेरे चाचा जी का लड़का है, आप जानते होंगे इसे, आप ही वीडियोस में देखा होगा। बस इसको तो एंजॉय चाहिए ना, इधर उधर घूमना है बस इसको। अच्छी है अच्छी, एक नंबर जूते हैं, एक नंबर सूज है बेटा। क्यों उतार रहे हो, कितने क्यूट तो हो यार आप, कितने क्यूट है देखो। हार को भग रहा तो मैं इसको बाहर ही ले आया। देख लो आप क्या माहौल देखना, ये माहौल है सामने का। इसको देखना था आपको, खेल लो खेल लो। नीचे जाना। हाय अब तो कर दो भाई, अब कर दो भाई। हाँ सही, बस आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ चले उधर चले मम्मी के पास चले चलो। और अंदर देखिए गाइस खाने वाली मिठाइयाँ। देखिए मम्मी वो कर रही है, क्या कर रहे हो मम्मी? ये प्लेटों में डाल रहे हैं नाश्ता। काफी सारे मेहमान आए हैं ना, टेस्ट किया मिठाई अच्छी बनी है। हलवाई ने अच्छी मिठाई बनाई। कहाँ आ जाएंगे आपके मन में? आपके हिसाब से 70-80 आ जाएंगे, 70-80 के आसपास आ जाएंगे शायद। इसके लिए मैं मिठाई लाया। ओ ये क्या कर रहा है, कपड़े गंदे नहीं करते? छी इतना गंदा है तू, ऐसे थोड़ी ना करते। देखो उसने कपड़े साफ कर लिए उससे। अब रुमाल लाना पड़ेगा तेरे लिए, रुमाल लेगा वो। इसको खाने के लिए मिठाई दी, इसने पूरे कपड़े गंदे कर लिए हैं। देखिए गाइस क्या आ गया मेरे पकड़ में। विदेशी मेंढक गाइस, सुपर मैसिव वाला मरा हुआ मेंढक। कौन सा मेंढक है देखना, अजीब से ही। नदी में आया हुआ था आपने उधर वाली नदी, तो मैं हर ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको। हाँ मिनिमम हर ब्लॉग में दिखाई देता हूँ उधर वाली नदी, पर ये वाली मैंने आपको नहीं दिखाई होगी अभी तक, तो दिखाता हूँ मैं। ये जो मोटर है ना उसकी तारें हैं, यहाँ कहीं मोटर लगा रखी है आपने उसके अंदर। हाँ पानी वाली खेत के लिए। ये देखो ये नदी है मस्त, इसमें नहाते भी हैं हम कभी कभार। इधर तो खैर इतनी गहरी नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा गहरी है उधर। आज मेरा लास्ट दिन है नानी जी के घर पे, कल मैं चला जाऊंगा अपने घर पे वापस। याद आएगी यहाँ की काफ़ी, 5 दिन से हूँ मैं यहाँ पर, 5-6 दिन से खूब इंजॉय चल रहा है। देखिए ये कल वाला भैंसा जो मुझे मारने पड़ा था मेरे पीछे, कल गाइस यही भैंस मेरे पीछे पड़ गई थी मुझे मारने के लिए। पिछला ब्लॉग देखना आपको पता चल जाएगा। और कल वो जंगल बुक बन के आए थे वो बच्चे आ रहे हैं ना अभी, वो ना कल चड्डी चड्डी में आए थे और पता नहीं सिर पे क्या लगा के आए थे। पुराने ब्लॉग देखना मेरे कल वाले, पता पड़ जाएगा आपको सब। देखो वाह भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे एक भैंस के पीछे पड़े हुए हैं और सारी भैंसें उधर हैं। ये कल मारने को मेरे पीछे पड़ी थी बहुत भयंकर तरीके से भाई, मैं तो डर गया था क्योंकि मैं एक बार छोटा था ना जब, तो भैंस के पैरों में आ गया था मैं, भैंसों के पैरों में, भैंसों के पूरे झुंड के पैरों में, तो चटक गई थी सब। चलो तुम्हें ना मैं हाउस टूर करवाता हूँ, अभी मेहमान और भी आ रहे हैं, अभी तो कम ही आए हैं, अभी आ रहे हैं तो दिखाता हूँ मैं मॉल आया।
देखिए मेहमानों को बाय बाय कर दिया अभी हमने, सबको खाना वगैरह खिला के फ्री करके, अब बेचारे सब जा रहे हैं अपने अपने घर। और भी हैं अभी उधर के साडे रिश्तेदार साग तोड़ते हुए वीडियो बनाउन दिया बापू देखो साडे रिश्ते नहीं उस हिसाब नाल नहीं बनाउन दिया मैं उतर बनाउन दा हां मासूम के साग ही बनाना है तू आहो। सॉरी फॉर दैट कि आज मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि आज टाइम नहीं रही इतना, क्योंकि मेहमान वगैरह बहुत सारे थे भाई तो उनमें बिजी थे, उनको खाना वगैरह खिला रहे थे ना तो पड़ता रहे थे, तो उस चक्कर में बहुत बिजी थे। सॉरी फॉर दैट कि मैं व्लॉग नहीं बना पाया, पर कल अच्छा व्लॉग बना लूँगा, कल फ्री है और कल तो मैं घर पे ही चला जाऊँगा, वैसे भी आगे तो पानी है, रास्ता ब्लॉक है, फिर भी हम जाएंगे कैसे कैसे भी इसके ऊपर से। ओके आगे तू जा, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। चल 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 चल, इधर कीचड़ है गाइस, इधर भी कीचड़ है, दोनों तरफ ही कीचड़ है, गिर गया तो क्या होगा मालूम नहीं, मैं नहीं गिरता। यार फंस गए, क्या हुआ? इधर पानी आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इधर पानी हो जाए, इधर भी पानी हो गिर गया एक बार तो गिर गया, देखो ये गीला हुआ है। चलो आगे आगे चलो, क्या कर रहा है, आगे चल आगे आगे चल आगे चल भाई चल। यस निकल गए फाइनली। बात पूछू तेरे से, तेरी चप्पल फिसल नहीं होंगी? फिसल नहीं ना आपकी चप्पल है? मुझे मालूम था वो गीली हो गई ना, इसकी चप्पलें तो फिसल नहीं होंगी 100%। देखो मेरी बिना गीली फिसल नहीं है, पानी कम पड़ गया था इसलिए मोटर चालू करने आ गए और ये कर दी हमने। किससे कर दो, इससे कर दो, ये वही चालू और उधर पहुंच गया पानी। हाँ हो चुकी है चालू, देख सकते हो गया पानी है, चल गई ना। ट्रैक्टर देखने आ गए थे कैसे बढ़िया है ना, क्योंकि इधर ना तीन चार आदमी आए थे, वो पता नहीं ट्रैक्टर पे क्या कर रहे थे, उधम सा कर रहे थे, बैठे थे बड़े बड़े, मैंने सोचा कहीं कुछ खराब ना कर गए हो, नहीं सही है। चले घरें घर चले, चला तो चलो घर पे चलते हैं, क्या काम है। एक लौंडा है उस खिड़की में से देख रहा, देखो वहाँ से देख रहा था, अब भग गया, देखो फिर से आ गया, देखा फिर से चला गया अपने को देख रहा है साले। तो जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ऐसे देखते हैं जैसे इन्होंने कभी इंसान ही तो देखा हो, यूँ खिड़की में से किस कदर ताड़ रहा था, जब मैंने उसकी तरफ गर्दन की ना अपनी फिर अंदर को चला गया, और फिर जब मैंने आगे वो की ना फिर आ गया जस्ट, फिर मैंने पकड़ ही लिया उसको कैसे ना कैसे। यस मेरे आसपास का माहौल दिखाऊँ ना मैं तो, देखो कितनी धुंध पड़ रही है और फिर भी हम ऐसे ही हैं नॉर्मल कपड़ों में, देखो बिल्कुल नॉर्मल, दिखाता हूँ मैं आसपास का माहौल, धुंध पड़ रही है गाइस, कितनी ठंडी होगी तुम अनुमान लगा ही सकते हो, ना शाम का माहौल है अभी हमारे। बात कि भाई बिग बॉस में अपने अनुराग भाई को सपोर्ट करते रहो और फुल सपोर्ट करो, उसे जिताना है, बाबू भैया को जिताना है ब्रो आपकी वे। बात आज मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था तो उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि आज काम धंधे में बिजी था आप जानते हो, जैसे कि खर्च था मेरी नानी का बड़ी नानी का, फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स लाई, कुछ क्लिप्स ली थी मैंने, हाँ उनको डाल दूंगा बीच में, ठीक है। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड जय जय मानेना, जय जय मानेना दीदी।